मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए सागर के 5 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पूरी घटना के सामने आने के बाद सनसनी फैल गई है। हादसे में एक नाबालिग बालिका की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि यह दर्दनाक हादसा सागर जिले के प्रसिद्ध राहतगढ़ वाटरफॉल में मंगलवार को घटित हुआ है। पिकनिक मनाने गए एक परिवार के 6 लोगों में से 5 व्यक्तियों की मौत हुई है। मरने वालों में 4 नाबालिग बताए जा रहे हैं, वहीं एक बालिका की हालत गंभीर बनी हुई है। राहतगढ़ पुलिस के अनुसार सभी लोग सागर के इतवारी टोरी और अर्जना गांव के रहने वाले हैं। राहतगढ़ पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश करने के बाद शवों को बाहर निकाला। 5 लोगों की मौत के बाद गंभीर अवस्था में घायल नाजिया को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौत की जानकारी मिली है, क्या मामला है सर? हाँ, ये सागर जिले के नजीर करके व्यक्ति हैं। वो अपने परिवार के साथ यहाँ राहतगढ़ वाटरफॉल में पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन ये आगे उधर प्रतिबंधित एरिया में खतरे से बाहर जो जगह है वहाँ पर परिवार के साथ जाकर उधर खाना बनाने लगे और वहाँ पर इनके परिवार के कुछ साथियों सहित इनकी हादसे में मृत्यु हो गई है। पानी में डूब गए वहाँ बबर में। कितने लोग हैं सर? ये खुद ऑटो ये ऑटो लेकर आए थे। नज़ीर हैं, इनकी बेटी है और इनका एक बेटा है छोटा, इनके रिलेटिव 2 और रिलेटिव हैं। ऐसे 5 लोग डूबे हैं, 6 लोग डूबे थे। एक बच्ची की सांस चल रही तो अभी अस्पताल ले जाया गया है और 5 लोगों की यहाँ डेथ हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।